अगर आप डेली डेली वही सब्जी खा के बोर हो गए हैं तो इस सब्जी को जरूर ट्राई करें। इसको बनाना बहुत आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन बड़ी सब्जी बनाने के लिए हम एक कप सोयाबीन लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए, अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पानी हम उतना ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। हम इसको कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हींग, जीरा, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने बारीक काटा है, आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अभी हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाला। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसके बाद हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे। टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ये कढ़ाई तेल ना छोड़ दे। अभी हम 2 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। तब तक हम अपनी सोयाबीन को देख लेते हैं। देखिए सोयाबीन बड़ी अच्छे से फूल गई है। अभी हम इसमें को निचोड़ देंगे, जो एक्स्ट्रा पानी रहेगा वो निकल जाएगा। सारी सोयाबीन बड़ी का पानी हमने अच्छे से निचोड़ दिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। अभी हम इसमें सोयाबीन बड़ी ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कुक करके भी खा सकते हैं, ऐसा ड्राई वाला। मैं यहाँ पे ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ तो इसलिए इसमें पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं लगभग 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि अभी हम इसको अच्छे से उबालेंगे सब्जी को। सब्जी में हम अच्छे से उबाल आ जाने देंगे। देखिए सब्जी में उबाल आ गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। देखिए अभी इसकी सब्जी की कंसिस्टेंसी अच्छी दिख रही है और सब्जी का कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे हरी धनिया। सब्जी हमारी बनके रेडी है। अभी हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए कितनी यमी सब्जी दिख रही है और कितना अच्छा कलर आया है। इसकी खास बात क्या है, ये प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं। इसको ग्रेवी वाला नहीं बनाना तो आप ड्राई भी इसको खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी ये रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।